ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जितना काम किया जाएगा वो कम पड़ जाएगा, जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारी और जितनी बड़ी संख्या में वंचित और सुविधाओं से दूर लोग हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें कोई काम हुआ है, कोई विद्यालय खुला है, कोई चीज आगे बढ़ी है और आप उसको वापस ले लें। तो जैसे आप हैरत में हैं वैसे मैं भी हैरत में। अब जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं जो पॉलिसी मेकर से उनके सामने प्रश्न रखूंगा कि बड़ी मुश्किल से तो इस देश में कोई काम होता है, बड़ी मुश्किल से तो इस देश में कोई ईंट रखी जाती है, कोई निर्माण होता है, कोई चीज बनती है, और जो बनी हुई चीज है उसको आप कैसे वापस लेने पर विचार कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात। बहरहाल आप सभी विद्वान हैं, बहुत अभी गहरा अर्थशास्त्र राय साहब बता रहे थे, उसके बाद अभी जो वक्ता थे मुझे उनका नाम जो है नहीं स्पष्ट हुआ। विक्रम सिंह अन्वेषक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, विनय सिंह। अच्छा अच्छा विक्रम सिंह जी, हाँ जी। और विनय सिंह जी है वो शिक्षक संघ जो विशिष्ट वीटीसी वाले हैं उनके प्रदेश जी। मनोज राय जी शिक्षक उसी संगठन के संयोजक हैं, तो सारे शिक्षक ही है, कोई अलग फील्ड से लोग नहीं है। और मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है कि उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बना, क्योंकि शिक्षा मित्र जब चयनित हुए तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक राज्य था, उत्तराखंड में नियमित हो गए शिक्षा मित्र, तो क्या उसके कटे हुए भूभाग का एक छोटा राज्य अपने शिक्षा मित्रों को नियमित कर सकता है और एक बृहद राज्य जिसे 7 देशों के बाद गिना जाता है, जिसे सूबे का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वो राज्य अपने शिक्षा मित्र अनुदेशकों को भुखमरी के कगार पर, आज भी मौत हुई है, कल भी मौत हुई थी, परसों भी मौत हुई है, कोई दिन बाकी नहीं है, 10,000 लोग 7 वर्षों में मर गए शिक्षा में। अगर गिनने पे आपने मन विषय जो आपने जो विषय उठाया है, ये मौत वाली जो बात आपने कह दी है, बड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ जब तस्वीर देखता हूँ मैं, कोई ट्विटर पे या फेसबुक पे मुझे टैग करके लिखते हैं शिक्षा मित्र बंधु जो है या अनुदेशक मित्र जो है हमारे, और मैं समझ नहीं पाता हूँ मिश्रा जी, मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं क्या कहूं इस पर, क्या बोलूं मैं, क्या लिखूं मैं। किसी की मौत हो गई किसी अभाव में, वो सेवा दे रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको नमस्कार। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खबर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा दिया गया है। आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है, जो भी बयान दिया जाता है, उसको लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी ने एक बयान दिया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप सभी जान सकें कि आप सभी के समायोजन को लेकर कितने प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई, उसके पास धन का अभाव रहा और इसमें उसकी मौत हो गई। क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मैं निशब्द पड़ जाता हूँ, मुझे रिएक्शन ही नहीं सूझता है, जबकि मैं पत्रकार हूँ, शब्दों का ही काम करता हूँ, शब्दों का ही कारोबार है, लेकिन क्या लिखा जाए इस पर, क्या कहा जाए इस पर। ये तो अति से भी बाहर की स्थिति है, इसके लिए शब्द नहीं बनाए, ये तो उस परिवार की स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है जिससे जुड़ा व्यक्ति काल के गाल में समा गया, और वो भी अभाव में। तो मेरे पास इस वक्त भी शब्द नहीं है बयान करने के। हाँ, जो इससे पहले आपने बात कही उत्तराखंड की, जो उदाहरण आपने दिया वो बिल्कुल सटीक उदाहरण है, इसी प्रदेश से अलग होकर तो बना है, ज्यादा साल भी नहीं हुए आपकी और मेरी याददाश्त में होगा कि कैसे वो आंदोलन चलता था, कैसे उसके बाद राज्य का गठन हुआ, कैसे बाद उसके बाद जो है उसके सामने चुनौतियां थी, आज भी हैं उसके सामने आर्थिक चुनौतियां, आज भी बहुत बड़ी है, उत्तर प्रदेश से बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, पूरी तरह से वो प्रदेश पर्यटन पर निर्भर करता है, हम सब जानते हैं। इसके बाद भी उन्होंने एक साहस किया, उन्होंने उस दिशा में स्टेप लिए जहां हम पीछे रह गए। निश्चित रूप से अभी एक राय साहब कह रहे थे और मैं सहमत हूं इस बात से कि कुछ मसले जो माननीय कोर्ट से आए हैं ऑर्डर के जरिए, उनको वहीं पर निपटाना होगा और ये काम सरकार को करना होगा, शासन को करना होगा। कैसे करेगी ये इस तरीके से तय होगा कि उसकी नीयत क्या है, उसकी मंशा क्या है। अगर वो सच में चाहते हैं कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो मित्र हैं इनका कल्याण हो, इनको जो मिल रहा है वो बहुत कम है, उसमें जीवन यापन संभव नहीं है व्यवहारिक स्तर पर, तो उस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं, ये बात कोर्ट में रखी जा सकती है। और अनुदेशक मित्रों के केस में तो 17,000 रुपए मानदेय देने का आदेश है भी, उसके खिलाफ सरकार कोर्ट में चली गई है, ये मुझे और हैरान कर रहा है।
इसलिए हैरान कर रहा है मिश्रा जी कि आप भी भारतीय संविधान से परिचित है, मैं भी परिचित हूँ, और जितने यहाँ पर मित्र बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर माननीय शिक्षक बैठे हुए, सबको मालूम है कि हमारी सरकार